रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन को ईडी ने तीसरी बार समन जारी किया है। इससे पहले 21 अप्रैल को छवि रंजन को ईडी कार्यालय में पेश होना था, लेकिन आईएएस ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 2 हफ्तों का समय मांगा था, लेकिन ईडी की ओर से उनके जो आग्रह था उसको ठुकरा दिया गया था और उसी दिन 4 बजे ईडी कार्यालय हाजिर होने का निर्देश जारी किया गया था। लेकिन फिर से उनके अधिवक्ता ईडी कार्यालय पहुंचकर इस बात की जानकारी देते हैं कि छवि रंजन फिलहाल रांची में नहीं है, इसलिए वो ईडी कार्यालय पेश नहीं हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें और समय दिया जाए। और ये कहा गया था कि आईएएस सोमवार यानी कि कल से किसी भी दिन हाजिर हो सकते हैं, तो समन जारी किया जा सकता है। लिहाजा ईडी ने तीसरी बार उन्हें समन जारी करते हुए कल यानी कि 24 अप्रैल को रांची के हिनो स्ट्रीट क्षेत्रीय ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा है। कल 11 बजे जो आईएएस छवि रंजन है उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उनसे क्या कुछ पूछताछ होती है। इससे पहले बता दूं कि बीते दिनों 18 लोगों से जुड़े 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 21 ठिकानों पर की गई थी, जिसके बाद बड़गाई के सीआई भानु प्रताप, अफसर अली, तलहा खान, प्रदीप बागची समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और विशेष अदालत ने 4 दिनों का रिमांड ईडी को दिया था। उसके बाद रिमांड अवधि पूर्ण होने के बाद फिर से ईडी ने 5 दिनों की रिमांड ईडी कोर्ट जो था उससे मांग की थी, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने ईडी को 5 दिनों का और रिमांड दिया था और जिसके बाद से अभी भी जो 7 आरोपी हैं इस पूरे जमीन घोटाले से जुड़े उनसे पूछताछ की जा रही है और कई जो मामले हैं वो छनकर लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिनों रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में ईडी ने रात को 10 बजे तक छापेमारी की, पूरी टीम जो थी वो 6 बजे रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचती है और रात को 10 बजे तक छापेमारी करती है। और इस बीच ये भी बातें सामने आई सूत्रों से कि जो ईडी के हाथ में कई कागजात लगे हैं उसमें जो कागजात है वो कई मंत्रियों के जमीन खरीदने को लेकर है, कई नेताओं के कागजात हैं जिन्होंने रांची के और रांची के आसपास के इलाकों में जमीन खरीद रखे हैं, लेकिन ये बात सामने नहीं आ पाई है कि ये मंत्री या फिर जो नेता हैं वो कौन है। लेकिन आने वाले समय में इस पर भी खुलासा हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कल जब आईएएस छवि रंजन से पूछताछ होती है जमीन घोटाले से जुड़े, जो कि सेना के जमीन घोटाले से मामला जुड़ा है, बरियातू के एचएसआर होम की बात कर ले या फिर रांची के विभिन्न इलाकों से जुड़ा जो मामला है उसकी बात कर ले, तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि जो 7 आरोपी के साथ अगर उनको बैठाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो मामला क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि लगातार उनका नाम सामने आ रहा था कि पूरा जो जमीन घोटाला हुआ है आरोप उन पर लग रहा था कि उन्होंने परमिशन दिया था और जितने भी आरोपी थे वो कह रहे थे कि छवि रंजन ने उन्हें ऐसा करने को कहा था, उनके आलोक में इस तरह से जो पूरा फर्जीवाड़ा है वो किया गया है, तो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल कल का इंतज़ार करना होगा, जब आईएएस छवि रंजन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे तब उनसे क्या कुछ पूछताछ होती है और किनके नए नाम जो है वो सामने आते हैं। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाने में कूदे और कुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।
चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।